देखिए फ्रेंड्स, आज हमने घर पे बनाए हैं डोमिनो स्टाइल ब्रेड पिज़्ज़ा, चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा। देखिए कितने बढ़िया बने हैं, तो अब इनको एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। चलिए शुरू करते हैं चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बनाना ब्रेड से। चलिए फ्रेंड्स, आज जल्दी से बनने वाला पिज़्ज़ा बनाते हैं, जो हम डोमिनोज से मंगाते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा, घर पर ही बनाते हैं। तो उसके लिए हम पहले पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले ली मैंने शेजवान चटनी या सॉस, जो भी है आपके पास वो ले लें। रेड चिली सॉस, अपने आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो ज़्यादा डालिए, कम तीखा चाहिए तो कम डालिए। टोमेटो सॉस 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स, थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी ओरिगैनो, जिससे कि चाइनीज़ टेस्ट नहीं आए हमारी सॉस में। ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस, अगर आपके पास घर पे पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इस तरह से मिक्स करके पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गई है। इसमें मैंने शेजवान चटनी, टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, ओरिगैनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं। और अब हम अपना पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब हम अपना सॉस बना लिए, पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सामान देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। ये है सैंडविच ब्रेड ली है मैंने 4 स्लाइस, और टॉपिंग के लिए शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और ऑलिव्स, और अगर आपके पास कॉर्न्स हैं तो आप कॉर्न भी लगा सकते हैं, और अपनी मनपसंद कोई भी सब्ज़ी लगा सकते हैं। और चाहिए चीज़ चाहे आप मोज़रेला यूज़ करें, चाहे ये स्लाइस वाला यूज़ करें, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना पिज़्ज़ा। उसके लिए हम सबसे पहले 2 ब्रेड को टोस्ट करेंगे, ये इनको हम टोस्ट करेंगे। और फिर हमें टोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ एक साइड से टोस्ट करनी है, और उसके बाद हम अपना पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। हमारी ब्रेड टोस्ट हो रही है, इतने हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 2 ब्रेड स्लाइस ली, इनके हम एजेस निकाल देंगे और इनको हम रोल कर लेंगे। रोल करने से ब्रेड हमारी स्मूथ सी हो जाएगी, ये थी। इस तरह से हम इनको ये हमने ब्रेड सेक लिए हैं, एक साइड से सेकी हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ब्राउन की हैं, सिर्फ एक साइड से, दूसरी साइड से नहीं सेकी। और ये भी इसलिए क्योंकि हम इस पे चीज़ लगाएंगे तो वो बहेगा इसलिए, और हमारी ब्रेड टूट सकती है, इसलिए ये हमने सेकी है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है सेकने की। अब हम इस पे लगाएंगे क्रीम चीज़, आपके पास कोई भी क्रीम चीज़ हो आप वो लगा सकते हैं, अच्छे से लगा लें। ये डबल चीज़ पिज़्ज़ा बनेगा हमारा, चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा जो हम डोमिनोज से मंगाते हैं। ये मेरा रेड चिली क्रीम चीज़ है, मैंने इसके साथ आप इसका वीडियो भी शेयर किया है आपके साथ कि हम घर में कैसे बना सकते हैं क्रीम चीज़ बना के उसमें फ्लेवर हम कोई भी ऐड कर सकते हैं। किनारों से थोड़ा सा बचाना है क्योंकि किनारों पे लगाएंगे तो वो बह जाएंगे। हम ये स्लाइस रखेंगे जो हमने बेली थी, इन स्लाइस को रखेंगे। और जो हमने ये पिज़्ज़ा सॉस बनाई है इसे खूब अच्छे से स्प्रेड करेंगे चटपटा बनाने के लिए। अब इस पे चीज़ ग्रेट कर देंगे। ये सब चीज़ें फ्रिज की नहीं होनी चाहिए, रखी हुई रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। चीज़ आप इस पे अपनी पसंद से जितना मर्ज़ी डालिए, स्लाइस लगाना चाहें तो चीज़ स्लाइस लगा लीजिए। मैं ये मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, थोड़ा चीज़ हम अभी टॉपिंग्स लगाने के बाद भी डालेंगे। इसे अच्छे से चारों तरफ इक्वल कर लेंगे जिससे कि एक तरफ ही ना रहे। सिंपल सी टॉपिंग्स बनाई है मैंने, ये शिमला मिर्च है, ये प्याज हैं,
टॉपिंग आप अपनी पसंद की, जो मैं लगा रही हूँ उसके अलावा भी जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। थोड़े से टमाटर और ये थोड़े से ऑलिव्स हैं मेरे पास, ये ऑलिव्स लगा देंगे और इस पर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे, बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आएगा इससे। और फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़, अब इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स आप आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें तो ना भी डालें तो कोई बात नहीं। अब हम इनको दो तरीके से बना सकते हैं, चाहें तो आप पैन में रख के पका लें, ढक के इसको चीज़ पिघल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ओवन या माइक्रोवेव है तो आप उसमें करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें चीज़ अच्छे से पिघलता है। इस तरह से ढक के आप इसको पका सकते हैं। देखिए हमारे पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको, ये देखिए गरम है, कितने अच्छे से हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हुए हैं, देखिए कितने कुरकुरे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। चीज़ बस्ट है ये, अंदर भी हमने चीज़ लगाया है और ऊपर भी, क्योंकि हमने ये पैन में किया है इसलिए चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाता। अगर आपके पास माइक्रोवेव या ओवन है आप उसमें करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे बनेगा। हमारे यहाँ इस समय लाइट नहीं है तो मैंने ये पैन में ही बनाए हैं इसलिए इसका चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ। ये देखिए बिल्कुल चीज़ बस्ट ब्रेड पिज़्ज़ा जो हम डोमिनोज से मंगाते हैं बिल्कुल हमारे तैयार हो गए। देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको, कितने कुरकुरे और कितने चीज़ी सॉफ्ट हमारे पिज़्ज़ा हैं। पर आपको पिज़्ज़ा खाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें जिससे कि आपके फैमिली फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। और आपको आप ये ब्रेड पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं घर पे ये भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ।